जी या दूर से देखी जी, हम इंसाफ करेंगे ना डिफेंड, हमारे पास कमी है मोमिनो होगी, यहाँ पे एक मांगो कितने सारे आते हैं। आप उस जाहिल मुसलमान को ले रहे थे हीरो बन रहे थे। अरे भैया ये मेरे को क्या पता चलेगा कौन सा जाहिल मुसलमान है तो कौन सा पढ़ा लिखा मुसलमान है, अब सारे मेरे को एक ही लगते हो, आप चलो पढ़े लिखे दोनों मुसलमान की की नहीं बात बन रही, करते हैं। आप भी वही डिफेंड कर रहे हो, वो भी वही डिफेंड करता है, दोनों की नहीं बन रही यार देखो, आप माली चलो पढ़े लिखे मुसलमान की बात करते हैं। दोनों लगो नहीं, मुसलमान 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 की लड़ाई होगी गाइस आज। बोलिए रेहान जी, नहीं आपने इसको सुनाया ना साइलेंट करो, मुसलमान मैं की लड़ाई हूं। आपको। अच्छा इन दोनों के नाम रख देते हैं, एक पढ़ा लिखा मुसलमान एक गैर पढ़ा लिखा तो मैं हूँ मुसलमान गुरसाल बन गया। बात ना। जी और बोलो मैं ना। हूँ गुरसाल रसान बात करते हैं। बोलिए जी बोले हैं, बोले हैं। रेहान जी, ये कह रहे हैं आप जाहिल मुसलमान हो। जी किसी के कहने से कोई जाहिल नहीं हो जाता, आपके कहने से इस्लाम गलत नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं मैं जा नहीं, मैंने बोला कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब आप मैं पढ़ा लिखा वो हूँ भाई पढ़े जी। लिखे ना होने की उलट क्या होती है, या तो बंदा सूखा होता है या गीला होता है, ये क्या। क्या मतलब, क्या मतलब, माने आप मुझे बताए ना कि क्या समझाना नहीं चाह रहे हैं। आप मुझसे बात करो ना राम भाई, आप चुप करो, मैं इससे बात करता हूँ थोड़ा सा। ठीक चले जी आप बात करो। ये मुझे बताओ कि इस्लाम में क्या बुराई है, मतलब गुलजार साहब पढ़े लिखे आप एथिस्ट हो ना, साइंसदान। यार आप इतना ओपन एंडेड सवाल ना पूछो, क्या बुराई है, इस वक्त मालीज का शो है, माली से आप बात करें स्ट्रेट, जाना होगा मुझे एक बात आपके। बताइए, आप दोनों में बैठे, एक तो हमें जी आपकी तरफ से पीछे से बहुत साउंड नॉइज आ रही है, नहीं मैं ओके आपसे बात, एक सेकंड, किसकी तरफ से ये साउंड आ रहा है, ये रेहान की तरफ से आ रही रेहान की तरफ से आ रही है, रेहान तो आपकी तरफ से साउंड आ रही है, करो इस बहुत बहुत पीछे से साउंड आ रही है, म्यूट कर लो अपने आप को, जब आप बात करो तभी सिर्फ ऑन करना, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। अच्छा मैं आपको ऐड करती हूँ अहमद साहब जी, बात ये हम कर रहे हैं इस वक्त मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है ना, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है ये, मगर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, दो मुसलमान हमारे पास बैठे हैं, नहीं मैंने ये पढ़ा हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं एक इसको। सेकेंड ना मेरा बात खत्म हो जाए फिर आप दो बात करना, मैं मुझे जानना है एक सेकंड के लिए, ठीक है एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये मैं छोड़ के जा रही हूँ यहाँ ये पे, मैंने पढ़ा हुआ है। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन ये छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पे ये रेहान भी बैठे हैं और हम हिसाब को मैं भी ऐड कर दूंगी, दो मुसलमान बैठे हैं यहाँ पर, एक कहता है उसने तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा है, दूसरा कहता है उसने पढ़ा है, एक मुसलमान दूसरे को कहता है कि वो जाहिल मुसलमान है क्योंकि उसने पढ़ा लिखा नहीं है, दोनों से मेरा सवाल यहाँ पर है कि एक वन बाय वन, पहले कोई भी पहले चला जाए फिर दूसरा चला जाए, मॉडरेट करना गुलजार आप इनको, पहले आप बताइए कि इसका क्या मायने है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, और फिर दूसरा बताएगा कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और किस लिहाज से औरत को मारना चाहिए, समझ में आ गई ना इस पैटर्न पे, एक दूसरे के ऊपर बात नहीं करनी है, एक एक करके बात करनी है, आप दोनों को गुलजार इनको दोनों को 3 मिनट दे दो ईच, ठीक है जी रेडी, स्टार्ट स्टार्ट, पहले कौन जाएगा, पहले कौन पहले जाएगा, हमिद साहब आए हैं उनको दे देते हैं मैं पहले 3 मिनट, आऊंगा, फिर मैं ठीक हाँ आप है पहले हैं एक्चुअली। हमिद साहब फिर रिहान भाई, 3-3 मिनट दे देना। नहीं, एक सेकंड, ना 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 हमें जी नहीं, रेहान को पहले जाने दो, रेहान आप जाओ पहले, चले रेहान जी आप करें पहले बात, बोलिए ना बोलिए रेहान जी, नहीं आप हमें जी आप नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे, ठीक है चुप रहो वरना मैं आपको नीचे बैठा दूंगी, मैं कुरान को रेहान लेके कोई आप बात खड़ी नहीं करूंगा, करें, मैं रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। आप 3 मिनट आप बात करोगे और आप हमको आया समझाओगे क्योंकि आप यहाँ पर इस्लाम को डिफेंड करने आए हो, और अगर आप नहीं करोगे, सेकंड तो फिर आपको कोई हक नहीं पड़ता यहाँ पर बैठ के कि हमसे क्वेश्चन पूछो कि हम क्यों यहाँ क्या कर रहे हैं, समझ में आई ना, अगर क्वेश्चन करोगे तो उसका जवाब देने की भी हिम्मत रखो, ये लड़कियों की मेरा तरह बैटरी लो हो रहा है। करके हिजाब पहन के पीछे चूड़ियां पहन के बैठ के बात करने में ना कोई हिम्मत नहीं है, इसके लिए आप इस्लाम की और बेइज्जती करवा रहे हो, वरना मैंने ये खोल के नहीं बैठना था यहाँ पर, इस वक्त मैं जा रही थी, आपकी वजह से अब मैं बैठी हूँ नहीं यहाँ आप पर, बात आप करने का मौका तो दो लोगों ना, को देंगे, एक सेकंड ना हेमा जी इतना आप, हीरो क्यों बन रहे हो आप लोग। अरे
नीचे बैठा दूंगी मैं। रिहान बोलो आप जवाब दो। जी मैं कुरान को लेकर कोई बात नहीं, काटो काटो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। मैं कुरान को लेकर कोई बात नहीं करूंगा, मैं रियलिटी पे बात करूंगा। मैं मुसलमान हूँ, हम मुसलमान हैं, हम किसी औरत पे हाथ नहीं। आप कैसे मुसलमान हैं जो कुरान को नहीं मान रहे हैं? आप कैसे मुसलमान हैं भाई? ये कौन से मुसलमान हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान को नहीं, कुरान को नहीं मानते आप। नहीं कह रहे, रियलिटी की बात करूंगा तो आप देख लें फिर आपके मुल्क में औरतों के साथ होता क्या है। नहीं रियलिटी कौन सी रियलिटी है इनकी? मुझे जो ये रियलिटी के अब दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में औरतों के साथ कितना अच्छा सलूक हो रहा है, वो ये बात करेंगे। जी मैं रियलिटी पे बात करूंगा, मैं मुसलमान हूँ और हमने आज तक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, हमारे घर में किसी ने भी हाथ उठाया। ठीक है, आप लोग कहते हो कि मुसलमान औरतों पे हाथ उठाते हैं, यूं करते हैं, फलाना करते हैं, तो ये सब झूठ है। ओके आपने कितने केसेस देखे हैं? मुसलमान शायद नहीं उठाते हाथ, मुसलमान शायद नहीं उठाते हैं हाथ, सारे नहीं उठाते, उठाते हैं सारे नहीं उठाते, मगर आपका कुरान कहता है कि अगर आपको उठाना पड़े तो आप उठा सकते हो। आपका कुरान कहता है कि हाँ उठा सकते हो। मुसलमान क्योंकि वो सारे कुरान को फॉलो नहीं करते ना, आप देखो आपको खुद ही कुरान का नहीं पता है, आपको खुद ही नहीं पता कि आपके कुरान में क्या लिखा है। तो इसी तरह से बहुत सारे मुसलमान को पता ही नहीं है कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, मगर जिनको पता है वो यूज करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब आप लोग बात करो। गुलजार जी आप बोलो। हाँ मैं बोलता हूँ, ये जो लफ्ज है ना ये याद रखें दोस्त, ये जो मारने की अरबी यहाँ पे है वो उद्रिबु हुन्ना, ठीक है ये याद रखना। वो उद्रिब यानी जर्ब लगाना, जर्ब के मतलब स्ट्राइक करना होता है, तो वो उद्रिबु हुन्ना, जिसमें सारे जो स्कॉलर्स हैं वो मुत्तफिक हैं कि ये मार की बात हो रही है, और इसमें जाकिर नाइक ने भी माना है, तो ये सारे मुफ्ती मानते हैं कि पिटाई क्या है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ इसको। तो आप बताओ जी, तो आप मुझे बोलने का मौका दो। आप बोलिए, हमें जी आप बोलिए, आपके पास माइक है। आप मलिच इसको हटाओ, मलिच मैम आई थिंक शी इज बिजी, आप बोलते जाओ, सामने है भी कोई बात नहीं ना कि आप मराओ, उसके बाद जो आपकी मतलब उसके साथ मत सोना, बाद में आप उसको मार सकते हो, तो मैं इसको जी बोले। ये जो मतलब ये इस्लाम को गलत प्रूफ नहीं करता है, आप लड़की बात नहीं मारे माने तो उसे मार सकते हो आप लोग, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप आपको अगर औरत होते आपको कैसा लगता अगर आपकी पिटाई करे कोई? नहीं, औरत और मर्दों का कानून अलग है इस्लाम के अंदर, तो नहीं इसमें कोई मतलब अगर कोई मारे तो आपको कैसा लगता, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं आप हम कुछ मतलब दूसरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जैसे लोंडियां, जैसे आप तंकीद करते हो ना उस पे। सवाल को डॉज मत करिए, अगर आप एक औरत पैदा हो जाते और आपको शौहर मारता आपको क्या फील होता? आप जिस अल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं वो उसका कनेक्शन तो वो आपका ठीक नहीं कर पा रहा है। कोई और कॉलर ले ले मालिक, जिनका कनेक्शन ठीक नहीं है। जी इस्लाम में ये तो लिखा है कि अगर कोई गलत काम करे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बीवी हो, तो उसको साहे रास पे लाने के लिए आप उसको चाहे पहले प्यार से समझाएं। ठीक है, ये बच्चे की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, मैरिड वुमन की। औरत हो, बच्चा हो, एक्सपेक्टेड कोई भी हो मेरे भाई। अच्छा अगर बच्चा भी हो, अगर आप बच्चे की भी बात कर रहे हो तो फिर आप बच्चे को मारोगे? अरे मेरी बहन आप अपने बच्चे को मारती हैं अगर वो गलत काम करता है। मैं क्यों मारूंगी? अगर वो कोई आपका जन्म नहीं है जी, सब में वन से बहुत सारे मुल्कों में अगर आप बच्चे पे हाथ उठाओगे तो पुलिस आ जाती है, अगर औरतों पे हाथ उठाओगे तो पुलिस आ जाती है। वो उस मुल्क का कानून है ना भाई, वो उस मुल्क का कानून है। मैं। लेकिन आपको ट्रॉमे का नहीं पता कि एक मिनट भाई साहब, आपको ट्रॉमे का नहीं पता कि जिन बहुत शोर आ रहा है, कहीं कहीं और माइक वगैरह सही करके आओ, बहुत शोर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो प्लीज कम बैक, आई कैंट हियर एनीथिंग। गुर 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 गुर, आप लोगों को आ रही है साउंड की? नहीं मुझे ही आ रही है। नहीं इनकी आवाज सही नहीं थी आ रही है ना, पीछे से बहुत उसका उसका। हाँ तो आप जरा दोबारा से लीव करो, फिर दोबारा से ज्वाइन करो।
उसको छोड़ो, आप मुझसे बात करो ना। इस मैडम ने कहा कि रहमान जी कह रहे नहीं, हैं आपने कहा अगर औरत आपकी बात नहीं सुने या बच्चा नहीं सुन रहा आपकी बात तो उसको मारो। क्या कहना चाहेंगे रेहान जी, आपके मुसलमान की अच्छी हरकतें कर रहे हैं, देखें ये आपके साथ सिखाता है इनको। हाँ जी, अच्छे बुरे मुसलमान सब जगह होते हैं। नहीं 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 ऐसे यहीं पे होते हैं सिर्फ, नहीं सब जगह होते हैं। आप ये सब जगह की चीज ना आप अपने अपने दिमाग में रखें, आप ये आपके दिमाग पे कीड़ा है सिर्फ। तो बस अपने दिमाग के साथ बात कर रहे हैं। आपको ये तो मानना पड़ेगा ना हर कोई आपकी तरह नहीं होता, राइट? तो हर कोई आपकी तरह सोचता भी नहीं है, जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह भी सोचता होगा। जी बताइए, आपने इसके बारे में बात करनी है कि नहीं करनी है, मुझे जानना है। मेरा इतना टाइम तुमने जाया करवाया मेरा आज। मैंने क्या टाइम जाया कराया, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपने जो तकरीर करी है। कुरान पढ़ा रही हूँ, मुझे चार्ज करना चाहिए, तुम्हें कुरान पढ़ाया आज मैंने। आज तुम जा करना अपने दोस्तों को ऐलान करना, देखो मैं आज कुरान की सूरह निसा में से तुमको बताता हूँ। मतलब मैं भी $5 टिप दे दूँ, इसका मतलब यहीं बैठ के $5 टिप दे दूँ? क्या करोगे, क्या क्या फी पे कर देता हूँ ना कुरान पढ़ाने की। क्या? हाँ चलो पे करो फी, तुम्हारी औकात है इतनी, तुम खुद ही अपने माँ बाप के घर में रह रहे हो, तुम क्या मेरे को पे करोगे? अच्छा अभी तक तुम्हें याद है, मैं तो समझा भूल गई होगी तुम। क्या भूलूंगी मैं? क्या मैं अपने माँ बाप के घर में रहता हूँ? नहीं नहीं मेरी याददाश्त को आप मत वो करो, समझ में आई ना, वो आप बच्चों के खेल है। बताइए आप, अच्छा। आपका ये इस्लाम अभी पेंट पेंट नीचे खड़ा हुआ है, आप उसकी पेंट पहनाएंगे आपके? नहीं नहीं मैडम, ये इस्लाम को आपने अपनी जबान में आपने ना ना आप नहीं बनाएंगे पैंट, नंगा रहने देंगे आपने अपनी दिमाग के हिसाब से तशरीह कर ली। तो आप बताए ना तशरी, मैं तो कब से बोल मैं रही हूँ, बताते हो रहा हूँ इस्लाम में है ही नहीं इस तरह का कोई जिक्र। आप बताइए तशरी प्लीज प्लीज, इरशाद इरशाद। मैंने बताया तो था आपको पहले भी। नहीं बताया ना आपने, आप भाग गए थे। जी बताइए, हम सुन रहे हैं, बताइए। इस्लाम के अंदर औरतों को मारना जायज नहीं है। कौन कहता है कि इस्लाम के अंदर औरतों पे हाथ उठाना जायज यहाँ पर कुरान कहता है, सामने है? नहीं लिखा है। मैडम, नहीं, नहीं आप कैसे कह सकते, सामने लिखा है। हमिद साहब भी कहते हैं, ये तो आपका मुसलमान भाई आ गया, ये कहता है लिखा है, हाँ अमित भाई बताएंगे। तो कहते हैं कि लिखा है। हमिद जी बोलो, हमिद जी कहते हैं लिखा है और होना चाहिए। आपने सुना नहीं था, जी पहले मेरा बोल वही रहे थे सारा ना है। रेहान जी, आ रही है, बोलिए। नहीं मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया आपने, ये आप कह मैं रहे आपको थे समझा अभी रहा था। के इस्लाम में है कि औरत को आप मार सकते हो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपने बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूं। रेहान जी सुन लो आप, जी सुन रहा हूँ। अभी भी मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, इसमें कोई बुराई रेहान नहीं कह है। रहे हैं ऐसा कहीं कुरान में नहीं लिखा है। नहीं, सूर्य निशा में लिखा है, मैंने पढ़ा है। तुम्हारी तो कचरा हो गई रेहान, तुम्हारी कचरा हो गई, कचरा हो गई। जी वो सारा तुम्हें मेरा। कुछ नहीं पता अपने मुसलमान, इस तरह को कुछ नहीं पता अपनी रिलीजन का, हाय सो सैड। जी चलें जल्दी से बताइए मुझे मैंने तो किस बोला ना सूरह अन-निसा कॉन्फ्रेंस में लिखा है। थैंक यू हेमाद हमिद जी, आज आपने मेरा दिल बड़ा खुश किया है, सही नहीं टाइम पे आया। तो अच्छा, आप जी बोलते हो कि वो मतलब हम मुसलमान लोंडियां बनाते हैं। भी लिखा है, मलिक मैम, लिखा तो है ना, आपने मेरी आवाज सूरह नहीं आ रही, मोमन भी पढ़ा होगा ना? सूरह लिखा है मोमन क्या है सूरह मोमिन, क्या लिखा 44 है? में भी लिखा है। सूरह मोमन तो आयत 4 खोलो आप। ये आपने उस दिन खुलवाई थी वहां पर, बहुत गंदी हो गई थी, इससे मत खुलवाओ।
मत खुलवाओ, इससे और भी गंदी हो गई थी। वो एक मोमिन ने खुलवाई थी उस दिन गालिब के चैनल पे, वो खुलवा के फंस गया था उसके बाद। मत खुलवाओ, मैं बता रही हूँ आपको, मत करो वरना ना खेड़ो मलंगा दू, फिर आप लोग खुद ही तकलीफ में आओगे और कुछ नहीं होगा। I'm letting you know. Sunny, where is the charger? नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो, मैं भी ये चाहता हूँ। ये लौंडियां जो लिखी हैं इसका क्या तरह से करते हैं आप इसको? How do you think this? एक सेकंड। जी मैंने सूरह निसा में ये लिखा है कि पहले आप लड़कियों को समझाओ, ठीक है? जी। उसके बाद उससे मत सोना, फिर मतलब वो बात नहीं माने तो उससे हेलो मारो, इससे कोई बुराई नहीं है। अगर कोई लड़की बात नहीं माने, बेहयाई फैलाए, तो आप क्या करोगे, उसे हार पहनाओगे? आप डिवोर्स भी तो कर सकते हो ना। क्यों डिवोर्स? डिवोर्स आपको मजाक दिख रहा है? हाँ डिवोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। नहीं नहीं ये मतलब उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस्लाम को छोड़ दें। क्या मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? What do you even mean? कि ये इस्लाम को गलत प्रूफ नहीं करता ये आपका आयत? भाई एक नहीं करती ना, बहुत सारी करती हैं। आप ये बार बार मत पूछो। एक चीज नहीं है ना औरतों पे, एक चीज नहीं है औरतों पे, औरतों का दिमाग आधा, औरतों के लिए इनहेरिटेंस आधी, औरतों के लिए है क्या? मुझे ये बताओ औरत देता क्या है इस्लाम, पहले ये मत बोलो कि क्या, मुझे बताओ देता क्या है, कुछ नहीं देता। औरतों को सबसे ज्यादा तहफुज इस्लाम के अंदर है। नहीं देता तुम्हारी औरतों को, कुछ भी नहीं देता है एट ऑल, कुछ नहीं देता। सबसे ज्यादा तहफुज इस्लाम के अंदर देता, सब कुछ मर्द को देता है। और ये वैसे तुम मर्द यहाँ बैठ के औरतों को डिफेंड कर रहे हो, जो कि तुम लोगों का हक भी नहीं बनता, क्योंकि तुम दोनों में से एक भी औरत नहीं है। तुम दोनों में से एक को नहीं पता कि औरत को किस चीज की जरूरत है। यू बोथ डोंट नो शिट, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आई नोटिस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज मिसिंग, ये आयशा ने लिखा है। And I thought he had एक सेकंड करने दे पहले। And found him prostrating and saying, ये आपके आयशा ने लिखा हुआ है कि वो प्रॉफिट मिसिंग थे और वो सोच रही थी कि वो अपनी लॉन्डी के पास गए हैं। वो नमाज पढ़ रहा था, ठीक है? क्या था वो? क्या था? वो नमाज पढ़ रहा था, वो लॉन्डियों के पास नहीं था। नमाज क्या होता है? नमाज नमाज इबादत कर रहा था वो। अच्छा नमाज पढ़ रहा था, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये वाली चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकंड सबर कीजिए आप, आपको हम दूसरी दिखाते हैं। आप मेरा तो खून ना, मैं बोल रहा हूं तो मेरा तो इस केस हदीस को झुठलाओगे। मलिहा जी अपनी पसंद की चीजें निकाल निकाल के लेकर आ रही है। ये देखो नहीं लौंडिया हिस्ट्री के हिस्से हैं वो। हाँ ये भी मैंने पढ़ा हुआ है कि आप लौंडिया मतलब पैसे देकर उसको मतलब खरीद मतलब रख सकते हो, ठीक है? अच्छा लौंडी रख सकते हो आप? क्या आप लौंडी के साथ एक सेकंड, क्या आप लौंडी के साथ वो कर सकते हो बगैर शादी के? जी लौंडिया पहले जमाने में वो हिस्ट्री में रहे थे, मतलब आपने कुरान पाक में सूर्य मोहम्मद में आयत 4 में उस वक्त जो बोल दिया गया कि जब आप काफरों के साथ लड़ोगे तो जो आप कैदी हैं, जो मतलब जो भी लड़की उसको आप छोड़ सकते हो यहाँ वैसे, यहाँ पैसे देकर। तो वो तो हिस्ट्री पहले पुराने जमाने में लौंडियां रखी जाती, बिल्कुल मुसलमान रखते थे। एक सेकंड एक सेकंड, जो माल माल गनीमत में आती थी जब जंगें लड़ी जाती थी और उन औरतों के सौदे हुए करते थे और उनको बेचा जाता था, ये आप मान रहे हो राइट? बिल्कुल, कौन मुसलमान नहीं मानता है। एक सेकंड, हाँ हाँ, तो रेहान जी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप तो कह रहे थे ये है ही नहीं। बोलिए रेहान जी क्या हुआ? कैट गॉट योर टंग? I won't. मैं ये कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं, बताइए आप कह रहे थे लौंडियां है नहीं, आप कह रहे थे बीवी की पिटाई नहीं है, ये भी तो मुसलमान है ना, ये कह रहे हैं ये ज्यादा अच्छे मुसलमान है, आप कहते हैं आप अच्छे मुसलमान है, भाई मैं किस पे बिलीव करूं? एक कहता है ही नहीं कुरान में, एक कहता है कुरान में, मुझे भी दिख रही है कुरान में,
किस पे भरोसा करें हम? आप मुझसे बात करो ना, मुझे पता है आप पे तो भरोसा है। वैसे मैं भरोसा आप ही पे करती हूँ हमेशा। आप जी एटलीस्ट ना आपने पढ़ा हुआ है कुरान, ये रेहान को कुछ नहीं पता, ये हीरो